वेलकम बैक बच्चों। तो एक्सरसाइज टू आज स्टार्ट करना था, ठीक है। उसके पहले का मैंने क्वेश्चन भी दिया था, बहुत लोगों ने किया है, किया ही नहीं है, ठीक है। आप लोग सबमिट ही नहीं करते हैं, छोटे बच्चे लोग, आपसे उससे आपको सीखना चाहिए। दे आर सबमिटिंग दे आर आंसर्स, क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं कर रहे हैं, ओके। सो नाउ एक्सरसाइज टू क्वेश्चन वन, जो मैंने आपको आज पिक भेजा था उसका सॉल्यूशन का, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या था। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, कभी भी आपको कोन या सिलेंडर का ये नहीं बोलेगा उसका रेडियस, उसका बेस का रेडियस बोलता है। तो ये बेस है, ठीक है, हालांकि दोनों तरफ बराबर होते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर मीन्स कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस मतलब ये एरिया, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कर्व्ड सरफेस ये हिस्सा होता है, ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा को कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ये हिस्सा भी आएगा आपका सिलेंडर का, ठीक है। पेज, ठीक है, जो देखिए रेक्टेंगुलर पेज है ना, ये रेक्टेंगुलर पेज को अगर हम ऐसा मोड़ते हैं तो ये कर्व्ड सरफेस इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको अगर हमने जोड़ दिया है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि एक कहीं कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को फोल्ड करके रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया रहेगा और आपको इसका क्या करना है, शायद कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस एरिया कुछ निकालना रहेगा। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर करेंगे कैसे, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा, सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया अगर आपको दिया है तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। और इसका अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा इसका, दोनों का सर्कमफेरेंस प्लस हाइट, ठीक है। तो हाइट इसमें पेरीमीटर में दो बार आता है, इसमें एक ही बार आ रहा है। तो खैर पेरीमीटर वाला रिलेशन नहीं देता, आपका एरिया वाला रिलेशन देता है, ध्यान रखिएगा। तो रेक्टेंगल का जब भी एरिया देगा और उसको सिलेंड्रिकल शेप में चेंज करने बोलेगा तो ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। बट मैं इस क्वेश्चन में आ रहा हूँ, अब आपको हाइट दिया है, ये रेडियस दिया हुआ है आपको, इसका मतलब इसको ये निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πRh, ठीक है। हियर आर रेडियस कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। एच हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, 2 इंटू पाई होता है 22/7, आर है 14 और एच है 10, 7 × 1 = 7, 2 जो मैंने आपको करके दिया था आज कल। तो ये हो गया आपका 88, ठीक है, इंटू 10, तुम्हें कल से कहीं कुछ छूट रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एरिया जहां भी शब्द आया वहां पे स्क्वायर यूनिट लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन टू, तो सिलेंड्रिकल फॉर्मूले में ज्यादातर वैसे ही है, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आपका है एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज गिवन है, ठीक है, फिर से सिलेंडर का आपको दिया हुआ है, ठीक है, एच और ये हो गया आर। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सी एस ए दिया हुआ है हमको 3696, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर आर